नींद में इतना मुस्कुरा का रे आनंद बाबू, जब बीवी नींद में मुस्कुराती हो यानी कि पक्का उठने के बाद तूफान आने वाला है। अजी सुनते हैं, सुनते हैं। अरे तुमको हमारे कान पे शक है क्या? तुम कुछ बोलोगी तभी तो ना सुनेंगे। वो हम है ना? बिल्कुल है। कौन बोला कि तुम नहीं हो? आयो दद्दा, आप बिना सुने बिना शुरू हो जाते हैं। कान्हा, हम अभी अभी एक बहुत अच्छा सपना देखे हैं। कहाँ देख ली? हम देखे हैं कि हम दोनों बाहर गए हैं। बाहर? बेडरूम के बाहर? अरे नहीं, इतना कम बाहर नहीं, इससे बहुत ज्यादा बाहर। अरे तुम कहीं विदेश विदेश जाने का सपना तो नहीं देख ली हो? अरे सुबह का सपना सच होता तुमको मालूम नहीं है क्या? सच्ची? माने कि हम जो सपना अभी अभी देखे वो सच हो जाएगा? अब सुनिए, हम कहाँ देखे? कहाँ देख ली जी? हम देखे हैं कि हम दोनों बनारस के मॉल में गए हैं शॉपिंग के लिए, और वहाँ पे बड़े बड़े दुकान में बड़े बड़े शीशे में रखी चमचमाती बनारसी साड़ियाँ, पर्स, लिपस्टिक, सैंडल और लाली। अयो दादा, आप अपने अंगूठे के बगल वाली उंगली से इशारा करके हमें दिखा रहे हैं। अच्छा, मतलब दिखाने वाला सपना देखी हो ना, खरीदने वाला सपना तो नहीं देखी हो? तो ठीक है, फिर हमारे जेब को कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर ये तुम्हारा सपना सच भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ? और कुछ बोलना बाकी है क्या? अब बोलने लायक छोड़ दे कहाँ है। अरे तो फिर चाय नाश्ते की तैयारी करो, सुबह ऑफिस जाना हो तो भाई देर ना हो जाएगी हमको। कौन रिस्पॉन्सिबल है, लेट हो जाएंगे तो? समझती नहीं हो तुम। चलता आयो दादा, ये चावल में से कंकड़ निकाल रही हो कि कंकड़ में से चावल? जरा जरा फूलों पे झड़ने लगा दिल मेरा, जरा जरा कांटों से लगने लगा दिल मेरा। मैं परेशान 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 आतिशे हो जहा। सॉरी बेबी आंटी, आंटी मत कहो ना। गर्ल्स एकदम ठीक कह रही है, मुझे लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई। बिना मुझे भी अब बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरे बेबी, कैसे आना हुआ, सब ठीक है ना? बिना सब वेल है, सिर्फ ना चैटर्जी को लीव करके। लीव करके? छोड़ के। इतनी इंग्लिश भी नहीं आती। आपकी वाली नहीं आती। अयो दादा, चटर्जी बाबू को क्या हुआ? क्या बताऊँ बीना, आजकल ना वो मुझे बिल्कुल सी नहीं करते, ध्यान ही नहीं दे रहे। अच्छा, तो फिर आजकल किधर ध्यान देते थे? उनका ही नहीं, सारे हस्बैंड लोगों का ध्यान ना आजकल इधर उधर है। घर की रसोई छोड़ के बाहर के रेस्ट और रेंट में इंटरेस्ट लेते हैं। रेस्ट और रेंट? रेस्टोरेंट? रेस्टोरेंट? नहीं नहीं, हमरे ऐसे बिल्कुल नहीं है। बिना आजकल के हस्बैंड लोग जो है ना, वो आउटसाइड से आलोकनाथ की तरह सीधे साधे होते हैं, लेकिन एक्चुअली ना वो इनसाइड से शक्ति कपूर होते हैं, शक्ति कपूर। आयो दादा, हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि हमरे ही शक्ति कपूर ही है। माने के हमरे यू आलोकनाथ है, सीधे और साधे। जितना भरोसा तुम अपने आनंद पे करती हो ना, उससे कहीं ज्यादा भरोसा ना मुझे अपने चैटर्जी पे है। बिना, अगर तुम्हारे आनंद आलोकनाथ जैसे जेंटलमैन है ना, तो मेरे चैटर्जी भी कोई कम नहीं है। लेकिन मेरी तो आई सब ओपन हुई जब मैंने उनकी शर्ट पे इतना लॉन्ग बाल देखा। लो, सड़ा हुआ निकला तरबूज और दोष दे रही है नारियल को। एनीवेज, बुद्धे बिना वो ना आजकल बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आयो दादा, लेकिन इस मामले में हम बहुत खुशकिस्मत है, हमरे ही ना हमसे पूछे बिना कपड़ा भी नहीं पहनते। हाँ। OMG! तो बिना, जब तुम मायके जाती हो तो आनंद क्या बिना कपड़ों के ऑफिस जाते हैं?
मम्मी लागे से कि इसकी ना अभी से ना सठियाने की उम्र आ गई से। मैं ना दावे के साथ कह सकती हूँ, जब मुझ जैसी 18 इयर्स की ब्यूटी से चैटर्जी बोर हो सकते हैं, तो फिर बीना से तो आनंद बोर हो ही जाएंगे। पुअर बीना, सॉरी। इसकी तो आयो दादा, हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं हम रेऊ ना ऐसे बिल्कुल नहीं है। हाँ। तो फिर काम क्यों नहीं करते हो तुम लोग, अपनी मॉम को मेरे जैसे ब्यूटीफुल बनाओ। अगर आनंद पहली नजर में इन्हें नोटिस कर लेते हैं तो तुम जीती, नहीं तो तुमको पता ये विनर तो मैं हूँ ही। शर्त मंजूर सर। बोला की 1000-1000 की शर्त। बाय 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 बाय। मम्मी टेंशन में क्यों से? आयो दादा, हम सोच रहे थे कि हमारा पति भी शक्ति कपूर निकला तो ऐसा कैसे हो सकता है मामा? बेबी आंटी के पति भी शक्ति कपूर, आपके पति भी शक्ति कपूर, यहाँ का हर पति शक्ति कपूर। अरे मैं पूछती हूँ कि बेचारा एक शक्ति कपूर कितनी औरतों का पति बन सकता है? ए, अपनी जुबान को ना लगाम दे, वरना ना चुविंगम चिपका दूंगा। आयो दादा, हमको तो लग रहा है ना कि हम सब बेबी से शर्त हार जाएंगे। मम्मी आप ऐसा क्यों सोच रही हो? काहे कि हमको भी कभी कभी लगता है कि तुम्हारे पापा ना हम पे ध्यान नहीं देते हैं। मम्मी आप कुछ ऐसा कमाल का धमाल करो ना कि बापू आपको नोटिस ही करते रह जावे। अरे दादा, ऐसा कमाल का धमाल हम कैसे कर सकते हैं बताओ? मम्मी एक बात बताओ, आपने कभी लिपस्टिक लगाई है? आयो दादा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लिपस्टिक उठाओ खोलो और होठों पे फेर ली, बस यही तो प्रॉब्लम है औरतों की। लिपस्टिक कैसे लगाती है जैसे नाग पंचमी के दिन दरवाजे पर नाग और नागिन की तस्वीर बना रही है गोबर से, और मुंह पे ब्रश तो ऐसे फेरती है जैसे सरकार के कहने पे स्वच्छ भारत अभियान में लोग आजकल झाड़ू फेर रहे हैं। मेकअप करने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, अगर उस सलीके से मेकअप किया जा रहा मम्मा तो पति तो क्या बनारस में हर कोई तारीफ करेगा, हर कोई। अयोध्या हमको पूरे बनारस की नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने पति की तारीफ चाहिए। हाँ। देखो कुछ भी हो जाए हमें ये शर्त जीतनी है। हाँ। तो समझो ये शर्त जीत ली। मैं मम्मा का ऐसा मेकओवर करूंगी कि हमारे डैडी माधुरी दीक्षित से लेके श्रीदेवी को सबको भूल जाएंगे, और हमारे घर की दग दग गर्ल हमारी माधुरी दीक्षित को याद करेंगे। आफतों के परिंदे इश्क ज़ादे दिल उड़ा देंगे फुर से, इश्क ज़ादे हलालों में हरामों में जो मिलते थे हजारों में इशक ज़ादे। चलो गाना तो बंद हुआ तुम्हारा, जितने गाने तुमने गाए ना आज तक उतने गाने तो लता मंगेशकर जी ने भी नहीं गाए होंगे। और चारी जितनी बार मैंने दरवाजा खोला ना उतनी बार तो बेबी आंटी ने अपने मुंह भी नहीं खोला होगा। अगर तुम्हारी यही हरकतें चलती रही तो बहुत जल्द हम लोग रास्ते पे खड़े दिखाई देंगे। एजी, तरह सोचिए तो आप रास्ते पर खड़े कैसे लगेंगे? बिना बिना दरवाजा बंद करो। बिना ये बनारस छपरा पैसेंजर ट्रेन की तरह धीरे धीरे काय चल रही हो? तो अरे राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड पकड़ो और फटाफट जाके हमारे लिए चाय बना के लाओ, जाओ। चाय अरे तुम ये लट्टू की तरह गोल 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 काहे घूम रही हो? हाँ हमारा सर पहले से घूम रहा है। ये लो जाओ जाके चाय बनाओ ना।
चाय पियेंगे या नाश्ता भी करेंगे? अरे तुम पगला गई हो क्या? हम तुमसे चाय मांग रहे हो, तुम केटली की तरह ऐसे 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 डोल रही हो। अरे जाओगी नहीं तो चाय बनाओगी कैसे? जाओ ना। इशक ज़ादे एक चाल चलने चले जब, एक ढाल ढलने लगे जब, एक थाल चखने लगे जब दो दिल। इशक ज़ादे तो मैं और चैटर्जी बाबू है ही। अच्छा? ये तो मुझे पता ही है, पर मैं तो सिर्फ ये जानने के लिए आई हूँ आनंद ने बीना की तारीफ की या नहीं। आइए आइए बेबी जॉल। हटो। नोटिस किया थारे को बड़ी जल्दी से बेबी। आंटी आंटी मत कहो। बीना नोटिस किया। ठीक है। अरे सॉरी, हम पहले नोटिस ही नहीं किए। अरे इतना कमाल का नेकलेस पहना है। अरे भाई कमाल तो हम कहें कि वो नेक का है। इसलिए तो ये नेकलेस इतना अच्छा लग रहा है। और ये जो कान के है ना, ये तो हमको माधुरी दीक्षित की याद दिला रहे हैं। लेकिन डैडी अब क्या फायदा, अब तो डॉक्टर ने उनके कान में फुसफुस आते होंगे। और आपकी जो खुली जुल्फे हैं, सच में एकदम सावन की घटा जैसी लग रही हैं। सच बता रहे तो लग रहा। ये मत भूलिए कि सावन की घटा में बिजली भी कड़कती है। क्या बोली? इसको क्या हुआ? लो कड़क गई बिजली। अरे अरे बिना, अरे चाय तो बनाती। ओहो, अरे क्या कर, अरे बिना हमारी चाय का क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग हार गए हो? आनंद ने बिना को नोटिस ही नहीं किया, वो तो पूरे वक्त मुझे नोटिस कर रहा था। अच्छा, हमारे बापू अपनी 5-5 बेटियों के सामने अपनी बीवी को नोटिस करेंगे, है ना? और अगर ध्यान नहीं देना होता तो बीना बीना करते हुए पीछे पीछे क्यों जाते, बताओ आंटी? समझ में नहीं आ रहा से कि बापू का ध्यान मम्मी की तरफ कैसे खींचे। काजल सुन, इधर धागा बांध के खींच देते हैं। सिंपल ना, तो अपना माउथ ऑर्गन बंद करेगी। मुझे लगता है कि खुद मेकअप करने से तो पापा मम्मी को देखने वाले नहीं है, तो हमें ना किसी अच्छे से ब्यूटिशियन को बुला लेना चाहिए और मम्मी को परी जैसा बना देते हैं। हाँ, ये आइडिया अच्छा है, तो मैं अभी कॉल करती हूँ। हाँ, बनारस की सबसे फेमस मुकाम्बो ब्यूटी सर्विसेज को। हेलो मुकाम्बो ब्यूटी सर्विसेज, डैडी मम्मी के ब्यूटी के जाल में ऐसे फंस जाएंगे जैसे मच्छरदानी में मच्छर फंसता है। आयो दादा, माने के अब हमको एक बूटी सना के सजाएगी। अरे लोग क्या कहेंगे बिटिया, हैं बूटी गोड़ी लाल लगाम। लो जी ने यो बूढ़ी लागे से। मम्मी अगर कोई भी औरत अपने आप को बूढ़ी समझने लगे ना, तो उसका बूढ़ा हस्बैंड ना उसको छोड़कर भाग जावे। मैं अभी आई हूँ। आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक, मुआ किनारा दिखा करके डुबा दे गया झल्ला मेरा बलमा झल्ला वल्ला मेरा वल्ला झल्ला हल्ला। मैं सजनी हूँ। काश मैं भी किसी की सजनी होती। वैसे आप किसकी सजनी हो? मैं सजनी श्रीवास्तव हूँ, मैं मुगेम्बो ब्यूटी सर्विस से आई हूँ। अच्छा, तो आप
ही है। तो आपने किस किस का मेकओवर किया है? मैंने छोटे छोटे जोकरों से लेके बड़े बड़े हाथियों का मेकओवर किया है। वाह 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 वाह। लेकिन यहाँ पे तो ना एक मीडियम साइज की मम्मी है, उनका मेकओवर करना है। प्लीज आइए आइए, अंदर आइए। बहनों इनसे मिलो, ये सजनी श्रीवास्तव मुगैम्बो ब्यूटी सर्विसेज की ब्यूटिशियन है। अच्छा हुआ। हाँ सजनी तुम्हारी बात सुन, मारी मम्मी को इतना ब्यूटीफुल बनाना कि देखने वाला इनकी खूबसूरती देखकर ना बेहोश हो जावे बस। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने छोटे छोटे जोकरों से लेके बड़े बड़े हाथियों का मेकओवर किया है। वाओ रियली? एक बार मैंने एक बंदरी का ऐसा मेकओवर किया ना कि उसको भोजपुरी फिल्मों में ना बहुत बड़ा एक्ट्रेस बनने का मौका मिला। वाह! और आज वो बंदरिया बहुत बड़ी सुपरस्टार है। वाह! तो फिर शुरू हो जाइए। नहीं यहाँ नहीं, मुझे अपना काम अकेले में शांति से करना पसंद है। ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तो आप मम्मी के कमरे में चली जाइए। अब चले चले। अरे तो 5 बज गए, और कितनी देर लगाएगी मेकअप चेकअप में? क्यों हो गया ना? अरे कमाल का हुआ है। और होता कैसे नहीं, मैंने छोटे छोटे जोकरों से लेके बड़े बड़े हाथियों का मेकओवर किया है। वैसे सजनी जी, आपने छोटे छोटे जोकरों से लेके बड़े बड़े हाथियों तक का मेकओवर किया कहाँ है? सर्कस में क्या? मम्मा उसने आपको सर्कस का जोकर बना दिया। अरे बिना बिना कहाँ था बिना? बापू पापा डैडी पापा। अरे हो दादा, लगता है इन्होंने हमको कुछ ज्यादा ही नोटिस कर लिया। जरूरत से ज्यादा। अरे जल्दी से कोई इनको होश मिलाओ। हाँ मैंने होश में लाते मम्मी, तब तक आप जाओ जाके अपना फेस धोकर आओ। हाँ वरना डैडी आपको देखकर दोबारा बेहोश हो जाएंगे। हाँ मम्मी हमें भी डर लग रहा है, जाओ ना। हम अभी आए। हाँ पापा 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 बापू। ओएमजी इन्हें क्या हो गया? जरूरत से ज्यादा ही नोटिस कर लिया मम्मी को और बेहोश हो गए। एक मिनट। अरे वो भूतनी कौन थी जिसको देख के हम बेहोश हो गए थे? मम्मी थी। अच्छा हाँ तुम्हारी मम्मी। अरे लेकिन वो भूतनी जैसी कहाँ दिख रही थी? अरे पापा बेबी आंटी ने मम्मी से कहा था कि आप उन्हें कभी नोटिस नहीं करते हो, इसलिए उन्होंने ऐसा मेकअप किया था। ये क्या बात हुई? हमको सुंदर बनाने के चक्कर के बजाय हमको जोकर बना के गई। अरे दादा अब ठीक है? अरे ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया ये? फिर से लागे से कि उस घटिया मेकअप की वजह से ना मम्मी के फेस पर ना रिएक्शन हो गया से। हाँ खजवार है बिना।
इतने सुंदर चेहरे पर मेकअप लगाने की क्या जरूरत थी तुमको? आयो दद्दा, आप मानते हैं कि हम बिना मेकअप के भी सुंदर लगते हैं? और नहीं तो क्या, फिर हम क्या ऐसे ही 24 घंटे बस बहाना बना के किसी भी तरीके से तुम्हारी शक्ल देखने के लिए अच्छा बिना बिना पुकारते रहते हैं? हाँ? आप शर्त हार गई। चलो निकालिए निकालिए 1000 रुपए। हाँ ठीक है दे देंगे 1000 रुपए। 1000 रुपए हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, अमीर लोग हैं हम। अच्छा अगर इतने ही ज्यादा पैसे हैं तो 1000 क्यों, लाखों दे दीजिए बेबी आंटी।